यदि हमारी गाड़ी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम करती है या कभी कभी झटके लेती है या मिसिंग मारती है या चलती चलती कभी पिकअप सही लेती है कभी छोड़ देती है, तो ज़्यादा अगर जो ये फॉल्ट आते हैं ये आते हैं हमारी गाड़ी के वायरिंग के अंदर, जैसे कि ये जुगाड़बाजी हो रही है इसके अंदर, ये शॉर्ट हो जाती है वायरिंग कभी कभी। ये देखो ये भी कपलर ऐसे हो रहा है, ये वायरिंग के अंदर जितनी भी जुगाड़बाजी हुई मिलेगी सब इस गाड़ी में ये दिक्कत आती है। जैसे ये कभी झटके मारना, कभी एकदम सही हो जाना, कभी पिकअप तोड़ देना गाड़ी में, सुबह सुबह स्टार्टिंग लेट, एकदम सही हो जाना, ये वायरिंग यहाँ शॉर्ट में पड़ी है। ये ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आती है ये गाड़ी में इस तरीके की वायरिंग से आती है, वायरिंग में आग आग लगने की जो समस्या आती है गाड़ी ज़्यादा अंदर ऐसी प्रॉब्लम आती है। जैसे ये वायरिंग यहाँ से नंगी हुई पड़ी है, बॉडी अर्थ हो जाती है, ऐसे ये यहाँ से इसमें जुगाड़बाजी हो रही है, कपलर फटे पड़े हैं अलग। तो सारी वायरिंग को करेंगे गाड़ी की को रिपेयर अच्छे तरीके से, सब कपलरों को नए डालेंगे जो बेकार हैं, और एकदम गाड़ी हो जाएगी हमारी ओके। इसमें जो जो प्रॉब्लम है वायरिंग ऐसी ऐसी कैसे काट देते हैं, मिस्त्री परेशान बेचारा गाड़ी वाला भी परेशान है। ये देखो कितने बेकार कर रखे जगह जगह से काट के, ये इसकी वजह से भी गाड़ी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम कर गई थी। फ्यूल मोटर की वायरिंग जाती है इधर से, गाड़ी की वायरिंग कर दी अच्छे तरीके से रिपेयर, सब ली और फिट कर दी मेरी एकदम टाई क्लिप लगा के, जो वायरिंग कहीं लटके ना और बिखर नहीं हो गए। और इसकी यह सफाई लीड ये भी बेकार है, जिससे गाड़ी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम करती है, गल चुकी है। ये वायरिंग होगी कंप्लीट, करते हैं स्टार्ट, हाफ सेल्फ में स्टार्ट गाड़ी एकदम, बंद करेंगे फिर मारेंगे सेल्फ एकदम ओके। ये इसका सेंसर में दिक्कत है जिसकी वजह से जैक लाइट शो कर रही है, ऑक्सीजन सेंसर वो बेकार है।